लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। पिछले दो महीने से चल रहा रैलियों और भाषणों का दौर आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद अब 19 मई को आखिरी चरण का मतदान होना है और आखिरी चरण में 8 राज्यों के 59 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं आज आखिरी दिन पीएम मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दिग्गज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। इसी चरण में बिहार की 8, झारखंड की 3, एमपी की 8 लोकसभा सीट और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 और यूपी की 13 और साथ ही हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं चुनावी नतीजे 23 मई को आएंगे। सातवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी के तहत सभी दिग्गज नेता आज पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं। जहां एक तरफ भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम मोदी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा आज रोड शो कर दमखम दिखाती नजर आएंगी। मोदी, राहुल सहित कई दिग्गज करेंगे आज रैलियां। 19 मई को आखिरी चरण का मतदान होगा और 8 राज्यों के 59 सीटों पर 19 मई को वोटिंग होगी और वहीं 23 मई को चुनावी नतीजे निकलकर सामने आएंगे। सातवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी के तहत सभी दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे।